संक्रमण के बढ़ते मामले को रोकने के लिए कोरोना वॉरियर सड़कों पर उतरकर लगातार शहर को सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, मॉल्स, ऑफिस, सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने बताया कि नगर निगम और फायर विभाग की गाड़ियां सैनिटाइजेशन के लिए लगाई गई हैं। फायर विभाग की 2 गाड़ी लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सरकार का सहयोग करें, जिससे हम लोग मिलकर कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने बताया। कोविड-19 का संक्रमण का फैलाव बहुत तेज़ी से पूरे देश में है, अपने यूपी में भी काफ़ी प्रभावित है इससे, और इसका जो है कि लगातार बढ़ना काफ़ी चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी और फायर सर्विस की गाड़ियां लगातार सैनिटाइजर में लगी हुई हैं। फायर सर्विस की 2 गाड़ियां रोज़ नियमित जाती हैं सैनिटाइज करने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण स्थानों, ऑफिस कार्यालय में सब जगह लगी हुई हैं। और इसमें यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इसका कोविड-19 गाइडलाइन का जो है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और इसमें जनमानस का भी सहयोग बहुत जरूरी है। सबका सहयोग हो तभी इस पर नियंत्रण प्रभावी हो सकता है।